अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहा है सुबह के ग्यारह हैं, और अभी नहीं, मैं उठी थी 8 बजे सो के, और नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है, सब बैठ गए आराम से। धूप लग रही है हल्की बहुत, इतने दिनों बाद तो धूप आई है। कल भी आई थी थोड़ा, लेकिन रात में बारिश हुई थी, लेकिन फिर से मौसम थोड़ा थोड़ा फिर से बारिश वाला हो गया, थोड़ा थोड़ा धूप भी आ रही है। और चलो दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया चौहान स्वागत करती हूँ सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल प्रिया व्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, आज मैं व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है आज व्लॉग बनाने का। बहुत टाइम से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बहुत दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। पुराने ही व्लॉग्स डाल रही थी मैं अभी तक, तो मैंने सोचा आज व्लॉग फिर से शूट करती हूँ। और तो अभी क्या अपडेट दूँ आपको मैं, हाँ क्या बोल रही थी, तो दोस्तों बस सारे लोग सोच रहे ना कि अरे यार इसमें तो ज्वाइन नहीं कर लिया, जा के नहीं रही अपनी ड्यूटी पे। तो मैं ड्यूटी पे क्यों नहीं जा रही हूँ, क्योंकि रोड ब्लॉक हो रही है। जैसे कि सबको पता है आजकल बारिश इतनी हो रही है उत्तराखंड में, कितनी 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 हालत ख़राब है, बाकी बहुत सारी जगह भी हालत ख़राब है। बट तो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं ऐसे मौसम में ना, मतलब रास्ते बहुत ख़राब होते हैं, तो थोड़ा डर भी लगता है। ऊपर से वो बहुत वैसे जगह में है ना, मतलब पहाड़ों में बहुत ज़्यादा, जहाँ मैं हूँ वहाँ पे पहाड़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दूर वाले पहाड़ है वो, ठीक है। तो वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो रास्ता पूरा ख़राब टूटा फूटा पड़ा है, रास्ता ब्लॉक पड़ा है, तो इसलिए मैं जा नहीं पा रही हूँ। जाऊँगी रास्ता जब खुलेगा और थोड़ा धूप मौसम ठीक हो जाए, फिर जाऊँगी और फिर आपको आगे की अपडेट दूँगी। चलो दोस्तों, मिलती हूँ अभी थोड़ा, हाँ वरना मैं पक करती रहती हूँ, मेरी बकवास बंद नहीं होती। और दोस्तों ये देखो, मैंने ना कल, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, मैंने ना कल कपड़े धोए थे और हाथ में छाले हो गए, बताओ ऐसा किसी के साथ होता है भाई? क्या ही होगा मेरा ज़िंदगी में, मुझे खुद नहीं पता कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा एक्चुअली पता नहीं। मैंने ज़्यादा पता नहीं क्या करा मैंने, ऐसे कैसे हो गया, रगड़ दिया ज़्यादा, क्या हो गया पता नहीं, कुछ भी हो जाता है। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों मैं आपको सीधा मिल रही हूँ रेडी होने के बाद, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। और एक मिनट यार, आपको सीधा मिल रही हूँ रेडी होने के बाद। अभी बज रहा है 3 और मैं जा रही हूँ मार्केट, और मेरे को कुछ काम है, क्योंकि शायद मुझे कल निकलना पड़ेगा ड्यूटी के लिए। अभी तक मैंने आपको बताया था कि रोड ख़राब है, कोई बात नहीं, वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। बट क्योंकि काम बहुत ज़्यादा छूट गया, आधा महीना ऑलरेडी हो चुका है, तो मुझे जाना ज़रूरी है। तो उसके लिए ना मुझे सिम विम भी लेनी पड़ेगी, वहाँ पर जियो चलता है कहीं पर तक, तो एटलीस्ट मेरे पास थोड़ा बहुत, बोल रही थी वो ना कोई आ गया था, तो मेरे को ना थोड़ा अजीब लगता है ऐसे किसी के सामने बात करने में ना, तो वो आ गए थे, तो इसलिए एक सीख निकली थी इसकी। छी यार, मेरा छाता खो गया, मुझे बहुत गुस्सा आता है हर बार, मैं तो सारे छाते लेके आती हूँ हर बार खो जाता। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, मैं आपको क्या बता रही हूँ और क्या बकवास करती रहती हूँ मैं। तो दोस्तों हम दोनों ने ट्विलिंग करी हुई है, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर का शर्ट सेम पहना है। तो हम लोग ना अभी आधे रास्ते में पहुँच गए। एक्चुअली ना मुझे व्लॉगिंग करने में बहुत ऑकवर्ड लगता है दोस्तों, क्योंकि मैं ना पब्लिक में कभी व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, बहुत मुश्किल से व्लॉगिंग करती हूँ पब्लिक में ना, तो यार अभी मुझे बहुत अजीब लगता है। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट मैं थोड़ा बहुत तो मतलब करूँ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत, क्योंकि यार मैं ना ये चाहती हूँ कि मतलब मुझे बहुत गंदा लगता है किसी मुझे वैसे पॉइंट आउट कर दे, ये लड़की क्या कर रही है ऐसे, तो इसलिए। तो हम दोनों बहनें अभी जा रही हैं मार्केट, और उसके बाद आपको पता नहीं मार्केट में मैं व्लॉग बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, बट जहाँ पर मतलब जहाँ पर मैं शूट कर पाऊँगी वहाँ पर करूँगी, जहाँ पर नहीं कर पाऊँगी वहाँ पर नहीं करूँगी। उसके अलावा मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ना, वो दिख नहीं रही है यहाँ से, वहाँ पर नेट्स लगे हुए, मतलब मैं सेब के वो दिखा रही थी, वहाँ पर किसी ने ना सेब लगा रखे हैं, यहाँ पर भी लोग सेब लगाते हैं, मेरे बोलने का मतलब ये था, और हो भी रखे हैं वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे सेब है ना, एकदम रेड कलर के सेब है, किसी ने बगीचा लगा रखा है वहाँ पर। पहले हमारा भी इधर बगीचा हुआ करता था, ये सारे खेत हमारे हैं, और वो वहाँ पर हमारा वेडिंग पॉइंट बन रहा है, जहाँ पर कि अभी स्कूल चल रहा है, मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये रहा वेडिंग पॉइंट का काम चल ही रहा था कि यहाँ पर स्कूल बन गया, अच्छा ही है, यहाँ पर प्लास्टर भी नहीं हो रहा, बट यहाँ पर फिर भी स्कूल चलता है, इसमें हमारा ही फ़ायदा है ना, इसलिए कौन सा संस्कार इंटरनेशनल स्कूल चलता है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर पहले इतना बड़ा एरिया है ना, उतने में सारे सेब के पेड़ होते थे, तो वो रहा मेरे पीछे, तो ना मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि वहाँ पर लोग खड़े हुए थे, तो मतलब थोड़ा लगता है यार मुझे, अब आप लोग समझो थोड़ा फीलिंग को मेरी, ज़्यादा बोल नहीं सकती मैं किसी के सामने, इसलिए। हाँ इसके अलावा ये भी हमारी शॉप्स है, ये रेंट पर है लेकिन सारी, और नीचे कोई किराएदार रहता है। तो हम लोग ना घर की तरफ जा रहे थे, तो इशू का ना मन हुआ, अरे यहाँ पर वीडियो नहीं बनने वाली, सरिया इतनी सारी हो रही है। एक्चुअली हम आए हैं जहाँ पर मैंने आपको दिखाई दी ना, ये रेंटेड शॉप्स है हमारी और वो कुछ सेट्स है, तो उसके छत पे आ गए क्योंकि इशू ने बोला कि वीडियोज़ बनानी है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है मार्केट की साइड में, इसलिए। और हवा भी इतनी मस्त चल रही है, तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी सरिया है, मुझे लगता है यहाँ पर वीडियो बनेगी, गिर ना जाए हम लोग। 7 बज गए हैं और लग रहा है कि 7 बज गए हैं,
उजाला कितना ज़्यादा है। तो हम लोग ना मौसी के घर चले गए थे, मेरी मौसी यहीं पर ही रहती है, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना शॉप्स है उसके नीचे वाले उसमें फ्लोर में, मतलब एकदम ग्राउंड फ्लोर में मौसी रहती है मेरी ना, तो उनके घर चली गई थी, मुझे कुछ काम था तो उनके घर चली गई थी मैं, और लोग देख रहे अभी। तो दोस्तों इसीलिए भाई मैं मार्केट नहीं जाती कभी, और जाती हूँ ना तो किसी से इधर उधर देखती नहीं हूँ। पता क्या हुआ, अभी मौसी के घर गए थे, ठीक है, फिर उन्हीं के बगल में मेरी मामी जी रहती हैं, ठीक है, उन्होंने बुला लिया, फिर उनके घर में बैठे, अभी 8 बजने वाले हैं, बताओ इतनी देर हो गई भाई, क्या यार दिमाग खराब, कोई ना कोई बुला लेता है यार। और अभी देखो कैसे यार, मतलब ना आजकल बिल्कुल रात ना बहुत देर में पड़ती है बिल्कुल ही, अब इसके बाद तो जल्दी पड़ने लग जाएगी, लेकिन अभी भी मतलब उजाला है तो देख सकते हो आप लोग। तो चलो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपको घर जाने के बाद। अभी ना मैं जा रही हूँ, अभी देखो अभी अच्छा अंधेरा हो गया ना, मैं पहुँच गई थी घर, चेंज वेंज कर लिया, अभी मैं जा रही हूँ दुकान के पास क्यों जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी होती है, तो गाड़ी से ना मुझे अपना मतलब मुझे देखना है, चेक करना है कि उसी में तो नहीं छूट गया वो छाता उस दिन, मतलब मैंने आपको बताया नहीं शायद, क्योंकि मेरा छाता नहीं मिल रहा यार, आपको पता है ना छाते के बिना मैं कहीं निकल नहीं सकती, आज मेरे को बिना छाते के जाना पड़ा, आज मौसम तो ठीक था बट फिर भी दोस्तों छाता तो नहीं मिला, गुस्सा आ रहा मुझे बहुत, छाता मिला ही नहीं, गुस्सा आता है यार मुझे। आ गई अपने घर, आप लोग सोच रहे होंगे इतना वो क्यों कर रही है, ओवर रिएक्ट छाते के लिए, यार मम्मी दोनों नहीं खोए, एक तो मोहित भैया ले गया ना, वो छाता तो मैं यूज़ नहीं करती, वो तो ऐसी छाता है जो मेरा पर्सनल छाता है, वो तो वही था, छाते तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन मैं तो यूज़ करती थी जो मेरा, हाँ यार देहरादून तो मैं लेके ही नहीं गई थी, वो देहरादून में तो मेरे पास और भी छाते हैं, तो नहीं मिला, मैं अपनी चीज़ों की बात केयर करती हूँ। तो मैं ये बोल रही थी यहाँ पर मैं इसलिए शुरू करी, क्योंकि यहाँ पर लाइट आ रही थी, अंधेरा हो गया ना तो मतलब बाकी जगह इतनी अच्छी लाइट नहीं आई, यहाँ पर अच्छी लाइट आ रही थी, मैं ये कह रही थी मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों की भी बहुत केयर करती हूँ, बहुत 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 केयर करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ जो मेरे से रिलेटेड चीज़ होती है, मैं सब चीज़ की केयर करती हूँ, तो चाहे वो एक छाता हो या मेरा एक क्लिप हो, अगर खो जाए तो मुझे बराबर दुख होता है, कंजूस नहीं यार चुप रहे, इसे केयर करना बोलते हैं, ठीक है, और ठीक है कंजूसी से ही तो इंसान कंजूसी कर करके तो इंसान आगे बढ़ता है, कंजूसी करनी अच्छी चीज़ है, ज़्यादा नहीं मतलब मक्खी चूस नहीं करनी, कंजूस करना है मक्खी चूस नहीं करना, ठीक है, तो ना मतलब बस उसी का दुख हो रहा मुझे थोड़ा अपने छाते का, पता नहीं ऐसे कैसे खो गया, कहाँ से ले गया बेचारा यार, मैंने छाते को बड़ा वही बना दिया, कोई बात नहीं यार दोस्तों, पर दुख तो होगा ना मुझे थोड़ा, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं कल भी जा पाऊँगी शायद, मैं इसलिए बोल रही हूँ ऐसा क्योंकि मौसम थोड़ा वैसे ही लग रहा है, मुझे बारिश होगी शायद, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है इसलिए, बट स्टिल मुझे पैकिंग तो करनी है, थोड़ा बहुत मैं सामान रख देती हूँ, बैग में नहीं डालूंगी बट एटलीस्ट रख तो देती हूँ, बाहर मुझे पहन के क्या जाना है वो डिसाइड कर लेती हूँ। तो दोस्तों अगर मैं ये ब्लॉग कल मतलब जाऊँगी तो कंटिन्यू करूँगी मे बी, और नहीं कंटिन्यू करूँगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, आज के ब्लॉग में इतना ही रखूँगी, और अगर कंटिन्यू करूँगी तो कंटिन्यू करूँगी। चलो दोस्तों बाय, मिलती हूँ। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया।